आचार्य अक्षय शर्मा जी आज हमें चक्रासन करना सिखाएंगे। नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही अच्छी क्रिया करने वाले हैं जिसका नाम है चक्र आसन। चक्र आसन करने से हमारे जो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहती है, हमारे रीढ़ की हड्डी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं होती। जैसे कि आजकल स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, हम लोगों को हर दूसरे घर में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल रहन सहन खान पीन उठना बैठना हमारा ऐसा हो चुका है जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी को पूर्ण मजबूती नहीं मिल पाती। यदि हम इस आसन का प्रतिदिन अभ्यास करें तो हम मुझे लगता है कि हमारे शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है, जो कि हमारे शरीर की मेन हड्डी बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को, उसमें कभी भी कोई दर्द या फिर वो कभी भी कमजोर नहीं होगी। तो आज हम आपको चक्रासन करके दिखाते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग चक्रासन करें, अपने शरीर को और अपनी बॉडी की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सीबल बनाए, उसमें कभी कोई किसी प्रकार का दर्द या रोग ना हो। शुरू करते हैं हम। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इसको करते हुए कभी भी हमें शरीर पर झटका नहीं देना है। मैं तो इस तरह से करके दिखा रहा हूं आपको, लेकिन आप दीवाल का सहारा लेते हुए, दीवाल की मदद लेते हुए आपको चक्रासन करना है, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं और मैं आपको इसके एक और तरीका, सरल तरीका बताऊंगा जिसमें आप सभी लोग कर पाएंगे, वो दीवाल के सहारे होता है। मैं फिलहाल आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं, थोड़ी आगे आ जाओ आप। तो ये था मित्रों चक्र आसन, पूर्ण चक्र आसन बोलते हैं इसे, जो कि हम बिना किसी सहारे के बैक जाके अपने हाथों को नीचे जमीन पर टच करते हैं। आपको क्या करना है, आपको दीवार के सहारे से अपने को बैक करना है, और जहां तक बैक हो शुरू में 5 दिन प्रैक्टिस करें कि जहां तक बैक हो सिर्फ वहीं तक होल्ड करें। होल्ड करने से आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो रीढ़ की हड्डी है, वो खुलेंगी। एकदम से आपको ये नहीं करना है, प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको, इसलिए दीवार के सहारा लेते हुए आपको चक्रासन का अभ्यास करना है। और मैं इसका एक अच्छा तरीका और बता देता हूँ। आप आराम से ऐसे बैठकर अपने ये घुटने मोड़कर ऐसे बैठ जाएं, लेट जाएं जमीन पे, जिसका एक तरीका है, और अपने हाथों को ऐसे करके और फिर उठाएं इसे, ये भी चक्र आसन ही लग गया हमारा। जो पूर्ण चक्रासन है वो वैसे है, बिना मदद किए बैक से करना, और इस तरह से आप चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत आप इस तरह से करें जो मैंने आपको अभी करके बताया। तो इसी के साथ धन्यवाद, मैं अक्षय शर्मा यूं ही आपको वीडियोस अपलोड करता रहूंगा आपके शरीर के अच्छे के लिए।